हमास की सुरंग ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है। इन्हीं सुरंगों में ही हमास के हमलावर ताक लगाए बैठे हैं। इस सुरंगों के नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए ही हमास इसराइल की सेना को घेर कर मारना चाहता है। सवाल है कि ऐसे में इसराइल कैसे सुरंगों के नेटवर्क को तबाह कर सकता है? तो जवाब है ट्रिपल बी, यानी बंकर बस्ट बम। यह ऐसा बम होता है जो बंकर को भेद कर फटता है। यह गहराई में छिपे दुश्मन को मार डालता है। यह पाताल तक पहुंचकर ऐसा ब्लास्ट करता है कि टारगेट के बचने की उम्मीद पूरी तरह खत्म हो जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है बंकर बस्टर बम। इसराइल के पास इस वक्त तीन तरह के बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर बम हैं, जो हमास की सुरंग को तबाह कर सकते हैं। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72 और तीसरा है GBU-57। इसराइल की एयरफोर्स इस वक्त गाजा की इमारतों को मलबे में तब्दील कर रही है। इसमें ज्यादातर धमाके ऐसे हैं जो हमास की बजाय आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। 5,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है और इनमें हमास के गिने चुने कमांडर मारे गए हैं, जबकि इसराइल की बमबारी में 2,000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। दरअसल हमास की पूरी ताकत इस वक्त सुरंगों में छिपी हुई है और यही नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लिहाजा इसराइल की एयरफोर्स ने अब ज्यादा से ज्यादा बंकर बस्टर बम फायर करने का फैसला किया है, ताकि हमास की सुरंग को जमीन के अंदर ही खत्म कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू के सामने एक बड़ा सवाल ये है कि जो बम 10 करोड़ रुपए से लेकर 30 करोड़ रुपए में आता है, उसको कहां इस्तेमाल किया जाए। इतना महंगा बम और सुरंग भी कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर का नेटवर्क। हमास की सुरंग का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तो पहले ही पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। वैसे हमास की सुरंगों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसराइल की एयरफोर्स तीन तरह के बम इस्तेमाल कर सकती है और नेतन्याहू के ऑर्डर पर यह कोशिश लगातार कर भी रही है। इसराइल हमास की जंग दिन बर दिन और ज्यादा भीषण होती चल रही है। 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त इस जंग को अब तक बीत चुका है। हमास पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर उसने चढ़ाई की, लेकिन इसराइल के पास भी पूरी तैयारी थी। इसराइल के पास तीन तरह के बड़े बम हैं, जिनका जिक्र हम यहां पर करेंगे और आपको समझाएंगे कि आखिर ये बम कितने शक्तिशाली है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसराइल का GBU-28 बंकर बस्टर बम। ये एक ऐसा बम है जो कि 6 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को पार कर सकता है और उसके बाद जो धमाका होता है वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। ये सुनकर कोई भी दुश्मन और गहरी सुरंग यहां पर बनाना चाहेगा तो आप समझिए, जो पहला इसके पास जो बम है ये बंकर बस्टर बम है, जो कि पृथ्वी की सतह से अगर बहुत अंदर तक भी कंक्रीट की मोटी परत वहां पर होगी उसको भी नष्ट कर सकता है। तो उसका भी तोड़ यहां पर हाजिर है, क्योंकि इसके अलावा एक और बम है, इसका नाम है GBU-72, जो 30 मीटर मोटी कंक्रीट को भेद सकता है और उसके बाद इस बम का ब्लास्ट होता है, किसी भी दुश्मन की रूह यहां पर कांप जाएगी तो मुमकिन है वो और गहरी सुरंग यहां पर बनाएगा। तो इसका जवाब भी यहां पर है। और क्योंकि तीसरा बम सबसे ज्यादा खतरनाक है और इससे कोई भी नहीं बच पाएगा, ये बम है GBU-57। ये सबसे ज्यादा ताकतवर बम है जो 60 मीटर की सतह को भेदने के बाद तबाही मचा सकता है, यानी कि जमीन के 60 मीटर गहराई में छुपना भी मौत से यहां पर नहीं बच पाएगा। तो ये तीन बड़े बम का जिक्र हमने यहां पर किया जो इस वक्त इसराइल के पास मौजूद है, जिसकी वजह से हमास सीधे तौर पर कभी भी हमला नहीं करता है इसराइल पर। और ऐसे में देखिए कितने ज्यादा शक्तिशाली ये बम है, बंकर बस्टर बम इनको कहा जाता है। इन तीन बमों का जिक्र हमने यहां पर किया। पृथ्वी की सतह से कितना भी अंदर क्यों ना हो, कितनी भी गहराई पर क्यों ना हो, लेकिन ये उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सकता है, टारगेट को नष्ट कर सकता है। ये बम जिस गहराई में जाकर फटते हैं वहां कुछ भी नहीं बचता। मिसाल के तौर पर जब 30 मीटर की गहराई में किसी सुरंग में 1000 किलो विस्फोटक फटेगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे पूरी सुरंग एक बार में ढह जाएगी और वहां छिपा दुश्मन कितना भी शातिर क्यों ना हो वो मारा जाएगा।
लेकिन इसराइल के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं रहने वाला। उसके पास चाहे जितने बंकर बस्टर बम हो, लेकिन हमास की सुरंग भी ऐसी हैं जिनका नेटवर्क और जिनकी गहराई अब भी इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनी हुई है। गाजा में चाहे ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें ढाही जा रही हैं, रिहायशी इलाके पूरी तरह मलबे वाला कब्रिस्तान बन चुके हैं, वहां जमीन के नीचे हमास का जाल ऐसा फैला हुआ है कि उसका बाल भी बांका करना नेतन्याहू और उनकी फौज के लिए पसीने छुड़ाने जैसा होगा। गाजा के इस मैप पर आप हमास का टनल नेटवर्क देख सकते हैं। गाजा के अंदर ये नेटवर्क 500 किलोमीटर का बताया जाता है और कई जगह ये सुरंग 500 फीट की गहराई में है, यानी सतह से करीब 150 मीटर नीचे। ये इतनी गहराई है जहां पर कोई बंकर बस्टर बम नहीं पहुंच सकता, इसलिए नेतन्याहू को सुरंग नेटवर्क तबाह करने के लिए बहुत सटीक इंटेलिजेंस चाहिए होगी और ये काम मोसाद ही कर सकता है। इसराइल की सैटेलाइट नेटवर्क को भी अब तक इस नेटवर्क को पता करने में कोई कामयाबी नहीं मिली है। फिलहाल इसराइल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है, तो गाजा के बाहर हिजबुल्ला ताक लगाए बैठा है कि कब इसराइल पर हमला किया जाए। यही वजह है कि इसराइल और लेबनान के बॉर्डर पर इस वक्त ऐसी आग लगी हुई है जो पूरे पश्चिम एशिया को अपनी जद में ले सकती है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्ला की रणनीति को लेकर इसराइल थोड़ा हैरान है। इसराइल के ठिकानों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई हुई तो हिजबुल्ला के 24 लड़ाके मारे गए। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने अब खामोश रहने का फैसला किया है और ये भी रिपोर्ट है कि ईरान के कहने पर हिजबुल्ला ने तय किया है कि कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका और इसराइल इसे ईरान की तरफ से आ रहे बड़े तूफान के तौर पर देख रहे हैं। ऐसा तूफान जिसमें हिजबुल्ला अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इससे पहले हिजबुल्ला कई वीडियो जारी कर चुका है जिसमें ये मैसेज दिया गया है कि उसका अटैक ऐसा होगा जो इसराइल रोक नहीं पाएगा। इस वीडियो में हिजबुल्ला का मिलिशिया कमांडो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। हिजबुल्ला ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर इसराइल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में घुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इसराइल पर चढ़ाई कर देगा। इसराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और यहाँ संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात रही है, इसमें भारत की फौज भी शामिल है। इस वक्त इसराइल को गाजा से ज्यादा इस बॉर्डर की टेंशन है, क्योंकि अगर इसराइल गाजा में घुसा तो हिजबुल्ला उत्तर की तरफ से इसराइल से हमला बोल देगा। एक हफ्ता बहुत खूनी बीता, लेकिन अब जैसे इसराइल और लेबनान का बॉर्डर ठंडा नजर आ रहा है, क्या ये वाकई बड़े तूफान से पहले की बड़ी खामोशी है? अगले दो दिन इस युद्ध में बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि गाजा में 5,000 मौतों के बाद गुस्सा तो पूरे पश्चिम एशिया में भड़क चुका है।